चॉप बनाने के लिए मैंने बैंगन दो ले लिया है। अब इसको हम लोग काट लेंगे, इसको गोल गोल काटेंगे। देखिए इसको मैंने पतला नहीं काटा है, इसको थोड़ा मोटा ही रखेंगे। इस तरीके से मैंने सारे बैंगन को काट लिया है। मैंने एक ऐसा कटोरा ले लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन ले लेंगे, इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डाल के इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए पेस्ट हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। चॉप को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख लिया, उसमें अब हम तेल डाल देंगे। देखिए सभी को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसको हम जो पेस्ट तैयार किए थे उसमें डालेंगे और एक एक करके इसको हम तवे पे। अब इसको हम मीडियम आंच में थोड़ा सा पका लेंगे। अब इस सभी को हम एक एक करके पलट देंगे। देखिए चॉप हमारा दोनों साइड अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारा बैंगन को फ्राई कर लेंगे। देखिए चॉप को मैंने बना के तैयार कर लिया है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।